एक सैनिक का डीएनए इतना गलत हो जाएगा कि उसका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए? असंभव, ऐसा नहीं होता है। राजनीति पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से, राजनीतिक विद्वेषता से, बदले की भावना से अधिकार है। उसने आपको बनाया है, उसने आपके गले में मालाएं डाली है, उसने तेजस्वी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उसने आपके परिवार को अपने सिर माथे बिठाला है। अगर कोई पत्रकार इस बात को पूछ ले, कोई व्यक्ति भी पूछ लेता, तो आप उस पर रासुका लगा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। अब इस समय मनीष कश्यप पर जो प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये जो यूट्यूबर मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है पत्रकार मानने के लिए तैयार नहीं है, आखिर में कैसे बचा पाएंगे? और अब तारीख नजदीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कानूनी दावपेच को समझने की कोशिश करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जुड़ने क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मैंने तो रवीश कुमार का जब विषय उठा था तो रवीश कुमार की विषय में भी ये बात उठाई थी बहुत तेजी के साथ कि उसके साथ भी महाराष्ट्र सरकार जो तत्कालीन सरकार थी वो गलत कर रही है, उसका तरीका गलत था, घर में घुस के उठा के लाना। यही मनीष के साथ भी है। मनीष न्यायिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा रखता है, कानून में विश्वास रखता है, कानून का ज्ञान रखता है, इसीलिए वो सरेंडर हुआ जाके। वो कहीं किसी एयरपोर्ट से नहीं पकड़ा गया, कहीं किसी एयरपोर्ट से भागते हुए भेष बदल कर, कहीं दाढ़ी बनवा ली हो, कहीं बाल बनवा लिए हो, कहीं बाल कटवा लिए हो, ऐसा उसने नहीं किया। उसने बाकायदा अपने को सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, और आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति रासुका का मुलजिम तो नहीं हो सकता ना, एनएसए तो लगाना उस पर गलत है। वो हमारे देश के एक सैनिक का बेटा है, उसके पिता सेना में हैं। एक सैनिक का डीएनए इतना गलत हो जाएगा कि उसका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए? असंभव, ऐसा नहीं होता। राजनीति पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से, राजनीतिक विद्वेषता से, बदले की भावना से मनीष कश्यप के ऊपर वो केस लगाए गए, मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह से ऐसा किया गया व्यवहार, और मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है। हाँ, उसका एक ये दोष है कि उसने ये कह दिया था कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये एक पत्रकार को शोभा देता है क्या सर? ये पत्रकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, लेकिन जो पत्रकारिता से राजनीति में जा रहा हो, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि एक संगठन बनाते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, केजरीवाल जी के साथ मिले, किरण बेदी आईपीएस रही उनके साथ मिले, अन्ना जी को रालेगांव से लेके आए, यहां आंदोलन शुरू किया, राजनीति की, अन्ना जी उधर पहुंचा दिए, किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी समर्थित गवर्नर बन गई उनके, उससे अब एक दिल के टुकड़े हजार हुए। रामदेव जी भी आए, रामदेव जी अपने व्यापार में लग गए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो ये तो हो जाता है, उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप का ये कहना गलत था, और ये कहना भी किस लिए? जिसका पिता मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा, लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन और राम मनोहर लोहिया की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों। तो जब ऐसे नेता से हैं, उसके लोगों के तो केवल पिता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं, तेजस्वी यादव का तो पिता भी मुख्यमंत्री, माता भी मुख्यमंत्री, अपना उप मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, वैसा नहीं करने दूंगा। ये उचित नहीं था, लेकिन गलत था। लेकिन फिर भी ककड़ी के चोर को आप कटारी से नहीं काट सकते, ऐसा करना भी गलत है कि ककड़ी के चोर को आप कटारी से काटें। हाँ, उसने थोड़ी सजा की है, लेकिन गलत किया है उसकी, उसे सजा एक महीना हो गया। आप सोचिए, आप एक महीना हो गया उसका पुलिस कस्टडी रिमांड चलते, कहाँ है मानवाधिकार, कहाँ है मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले लोग? एक महीना जिस व्यक्ति का बिहार में रजिस्टर्ड हुए केस, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड हुए, और केस रजिस्टर्ड, सोचिए आप बड़ी बात,
एक महीना से जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो बिहार पुलिस चाहे तमिलनाडु की पुलिस, एक महीना रहते रहते उस पर रासुका लगा दी गई। सर यही मेरा एक सवाल, ये भी एक सवाल था कि इतने केसेस थे उनके ऊपर, एनएसए लगाना और रात में ही कोर्ट को इस पर निर्णय ले लेना, ये कहां तक सही? ये अनजस्टिस था। और केवल ये बात उसने नहीं उठाई कि मनीष कश्यप ने ही उठाई हो, ऐसा नहीं है। ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये सबसे पहला ट्वीट था ये, और इस ट्वीट से पहले पर जाता हूं मैं पीछे, इस ट्वीट से पहले जाता हूं, ये देखिए आप, ये अपने दर्शकों को, त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, दो लोगों के मरने की आशंका। बर्बर, आप समझते हैं बर्बर क्या होता है, शब्द लाल से लिखा गया बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, सोचिए आप, ये कौन कह रहा है? मनीष कश्यप नहीं कह रहा, आपके सामने डॉक्टर एपी सिंह नहीं कह रहा है, आपका चैनल नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान का अखबार कह रहा है, उसकी हेडलाइन आजादी के समय का अखबार। ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है क्या? तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाने हमले, इधर और इधर छपरा बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार से अनुदान मांग रहे नीतीश कुमार जी। ये सोचिए आप, ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाके में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मरनाने लगा, तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक। हिंदुस्तान पर फोन पर बताई आप बीती, हिंदुस्तान अखबार पूछ रहा है, फोन पर चर्चा कर रहा है, ये दैनिक भास्कर कह रहा है, ठीक है, ये दैनिक भास्कर कह रहा है, ये कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है, ये प्रभात खबर कह रहा है, ये रिनाउंड अखबार है, ये प्रभात खबर कह रहा है, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा, ये दर्द मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये अखबार कह रहे हैं हमारे देश के। ये केंद्रीय सरकार में बिहार सरकार करे पहल, डॉक्टर साहनी कह रहे हैं बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है, ये खबर, ये सारी खबर जी न्यूज कह रहा है, अमर उजाला कह रहा है, ये बिहार, ये अमर उजाला कह रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक के फंदे से लटका शव मिला, ये कह रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं, ये अखबार आप इनको गलत मान लीजिए, चलिए आपकी तो बात अलग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री को भी गलत मानेंगे, बिहार के चीफ मिनिस्टर को भी गलत मानेंगे, क्या द इकोनॉमिक टाइम्स को भी गलत मानेंगे? इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, द इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु, वो कह रहे हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन थर्सडे एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द अलीज्ड अटैक्स ऑन लेबर्स हेलिंग फ्रॉम द स्टेट इन फार ऑफ तमिलनाडु। आई हैव लर्न्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट लेबर्स फ्रॉम बिहार हु आर एम्प्लॉयड इन तमिलनाडु आर बींग अटैक्ड। आई हैव आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार टू स्पीक टू ऑफिशियल्स इन तमिलनाडु एंड इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बिहारी वर्कर्स देयर। कुमार ट्वीटेड, हुज कुमार? नीतीश कुमार ट्वीटेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वीटेड, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वीटेड, ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो मनीष कश्यप ने भी कह दिया तो फिर क्या कहो गया, ये फिर क्या गलत हो गया? मतलब सब कहो तो ठीक और मनीष कश्यप भी उस बात को कह दे तो गलत हो गया। ये विषय है इंपॉर्टेंट कि किस तरह से गलत कार्य को किया जा रहा है, किस तरह से मनीष कश्यप को झूठा फंसाया गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मनीष कश्यप का वो ट्वीट जिसकी वजह से ये सारी चीजें चली, ये है वो ट्वीट, इतनी सब देख ली, अब पढ़िए। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा है, कहना गुणगुना तो नहीं है, भारत रत्न भी होते हैं, लौह पुरुष भी होते हैं, आयरन लेडी भी होती हैं,
बिहार का सनफ होना तो कुछ बाप तो नहीं बन गया किसी का, बेटे ही तो बना है, बेटा होना गुनाह तो नहीं है। तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान हो, और इन लोगों को जो मार पड़ रही है तमिलनाडु में वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। क्यों नहीं दोषी आप लोग होंगे, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। डिप्टी सीएम तो आप हैं, बिहार के युवा तुर्क तो आप हैं, बिहार के बेरोजगारों का सहारा तो आप हैं, बिहार के बेरोजगारों को नौकरी की बात करने वाले तो आप हैं, लालू यादव जी के पुत्र तो आप हैं, राबड़ी देवी जी के पुत्र तो आप हैं, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तो आप हैं, राष्ट्रीय जनता दल के चलाने वाले तो आप हैं, प्रदेश की जनता तो आपको देख रही है, स्टालिन के मित्र तो आप हैं, तमिलनाडु और बिहार के जन्मदिन मनवाने वाले आप हैं, 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले तो आप हैं साहब। तो आपसे ही तो बात की जाएगी, आपसे ही तो सवाल उठाए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, जनता पूछेगी, आम जनता पूछेगी, मनीष कश्यप पूछेगा, उसका अधिकार है, उसने आपको बनाया है, उसने आपके गले में मालाएं डाली है, उसने तेजस्वी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उसने आपके परिवार को अपने सिर माथे बिठाला है। अगर कोई पत्रकार इस बात को पूछ ले, कोई व्यक्ति भी पूछ लेता, तो आप उस पर रासुका लगा देंगे, आप उस पर केसों की लाइन लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे। और दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं, आप देखिए एफआईआर का सिलसिला किस तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, क्या उसका पूरा क्रोनोलॉजी समझिए आप किस तरह से। देखिए ये बिहार में एफआईआर 3/23, 5/23 को दर्ज होती है, 3/23, फिर 10/3 तक और कोई एफआईआर नहीं, 4/23 एफआईआर नंबर वो दर्ज होता है मनीष के ही खिलाफ, सब बीच में कोई एफआईआर नहीं, 5/23 एफआईआर भी दर्ज होती है 12/3 को, वो भी मनीष के ही खिलाफ। ये बिहार में हो रही है, तमिलनाडु मदुरई डिस्ट्रिक्ट CCD 3rd PS क्राइम नंबर में 6/23 10 मार्च को होती, वहां भी होती है, यहां भी होती है, त्रिपुर में होती है डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 13/23 दर्ज होती है। एक साथ ये एफआईआर की झड़ी लगा देना, एक साथ पत्रकारिता पर हमला कर देना, एक साथ विचार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर देना, बोलने की आजादी पर हमला कर देना, ये दुखद है। सर यही तो लोग थे ना फ्रीडम टू स्पीच पे लेकर के आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, ईडी और सीबीआई को लेकर के ताने बाने गढ़ते रहे कि हमारे ऊपर ये केंद्र सरकार जो है अपने न्यायिक व्यवस्था को लेकर के हमें परेशान कर रही है, हमारे पिताजी को जो पीड़ित हैं या ग्रसित हैं या रोगी हैं उनको परेशान कर रही है। ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही चिल्लाएं जुबा खोले ना कोई, सिर्फ हम ही चिल्लाएं जुबा ना खोले कोई, कोई और ना बोले साहब, हम ही बोले तो साहब, ऐसा तो नहीं चलता है, मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थूतो तो नहीं चलता है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारी मदर है, हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, मोदी जी के राज में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का नारा दे रहे हैं। क्या मनीष कश्यप को न्याय मिल पाया, क्या मनीष कश्यप दो राज्यों के आपसी समायोजन की वजह से नहीं पिस रहा है, क्या मनीष कश्यप के ऐसे केस की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच है किस लिए? ये अगर राज्यों में देखें, बिहार की बात करें, वहां पे भी तो कोई विपक्ष के लोग आवाज बुलंद नहीं कर रहे। नहीं देखिए राजनेता क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी मजबूरी है तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, बेवफाई के पीछे कुछ कारण है।